ओके तो चले अभी देखते हैं इसको किस तरह से इस पे हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन टूल लेंगे जो इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमारे लिए यूज करनी है। हमें लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर कलर ब्लैक कलर का लगा दें और उसके दो पॉइंट्स आप यहाँ पे सेट कर लें। दो पॉइंट की ये लाइन है हमारे पास जो हम इस पे यूज करने वाले हैं। अब ये जो लाइन हमने यूज किया है, अब इसका यूटिलाइजेशन देखें कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कुछ मार्जिन भी छोड़ा गया है और मार्जिन के साथ इसमें बीच में गैप भी छोड़ा गया। अब ये कितना गैप छोड़ा गया इसको जरा समझने के लिए हमें यहाँ से फिर एक गाइड लेनी होगी। यानी कि देखिए इस गाइड को हम यहाँ से यूज करते हैं कि ये इतना गैप यहाँ से छोड़ा गया है और इतना ही गैप इसको यहाँ से देना चाहिए, ठीक है। और ये बीच का गैप इसके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो बीच वाला जो आपका जो मार्जिन है वो किसी काम का नहीं, उसको डिलीट कर दें। जबकि लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतना मार्जिन हम इसका लेफ्ट एंड राइट का छोड़ेंगे और इस तरह से इतना ही मार्जिन हम राइट साइड पे भी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा। तो अब इस लाइन को फिर आपने इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। अब कितने पोर्शन पे आपने इसको डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल एक दो तीन पोर्शन इसके डिज़ाइन करने हैं जिसमें एक बड़ा है दो छोटे हैं, तो उसके हवाले से फिर आपने इसको इसी तरीके से यहाँ पे रखना है। तो मिसाल के तौर पे इस लाइन को हमने इस तरह से सिलेक्ट करा, थोड़ा जूम कर लेते हैं और पकड़ के इस वाले पोर्शन के लिए जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से हम पकड़ के शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ तक ले आए, तो यहाँ पर ये लाइन इस पर इस तरह से एडजस्ट होगी। अब इस लाइन की भी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये लाइन किस तरह की लगानी है, तो सिंपली इस तरह की लाइन लगानी है या इसका प्रोफाइल चेंज करके कुछ इस तरह की लाइन लगानी है या फिर इस पर कुछ इस तरह की लाइन लगानी है। ये प्रोफाइल आप जिस तरह का सेट करेंगे ये उसी तरह की लाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर हम लाइन कुछ इस तरह की लगा देते हैं तो ये देखिए इस तरह की लाइन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ये वाली लाइन ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी, सूटेबल है। इस तरह की लाइन हमने इस पर लगा दी, मुझे लग रहा है कि अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे देखें अगर डॉट लगा रहे हैं तो ये गोल लाइन इस तरह की आ जाएगी। और फिर अगर हम इसको यहाँ से यूनिफॉर्म करते हैं, बड़ा डॉट है, अगर थोड़ा छोटे डॉट पे लेते हैं तो ये छोटे डॉट की इस तरह से लाइन आएगी। इसको वन पॉइंट पे अगर रखेंगे तो ये दोनों साइड से गोल होगी लाइन, 0.5 के ऊपर हमें ऐसी नज़र आ रही होगी। अभी 150% पे हम इसका व्यू कर रहे हैं, अगर हम इसको कंट्रोल जीरो करेंगे तो ये एग्जैक्ट इस तरह से लाइन प्रिंटिंग में आएगी 0.5 पे, अगर ये डॉट मैंने ये वाला लिया हुआ है। और बारीक डॉट करेंगे तो फिर ये शायद और कम हो जाए, लेकिन फिलहाल तो यही रहेगी 0.5 के स्ट्रोक के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अब यहाँ से हम इसी फॉन्ट को यूज़ करते हैं जो इसमें यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ से हमने डुप्लीकेट किया और उस पर हमने टाइप कर दिया एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा एजुकेशन, तो यहाँ पे हमने एजुकेशन टाइप कर दिया। और टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको 30 के फॉन्ट से कम करके 16 के फॉन्ट पर टाइप कर दिया और उसको यहाँ पर रख लिया। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर दिया इसको यहाँ पे, और यहाँ पे रख दिया इसके साथ उठा के यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें इसको और इसको ऊपर ले जाएं और यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह से डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये हमने एजुकेशन यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिया। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे रखना है। तो 16 के फॉन्ट के साथ रहते हुए हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑल्टर के साथ इसकी एक डुप्लीकेट करी, शिफ्ट का बटन दबा के होल्ड रखना है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस के साथ हमने इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। एंड देन थर्ड वाले के लिए एक स्पेस हमने बीच में थोड़ा ज़्यादा रखा और उसको एंड के लिए इतना स्पेस दे दिया, इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने लिखना है वर्क एक्सपीरियंस और तीसरे वाले में आपने यहाँ पे लिखना था सपोज टू बी एक्टिविटीज, तो ये हमने इसके ऊपर टाइप कर दी। अब ये देखिए कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली यही सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहेगी। तो स्किल्स ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन एंड इंटरेस्ट चाहिए वहाँ पर। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको ग्रुप कर दिया और ग्रुप करके ऑल्टर के साथ यहाँ पे आगे के साथ शिफ्ट का बटन दबा के ले लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ये देखना होगा कि यहाँ पर आपकी जो लाइन का जो विड्थ है वो कम है, तो यहाँ पे अनग्रुप करके इसको यहाँ से क्लिक किया और थोड़ा सा इस साइड पे कंट्रोल के साथ किया और क्लिक करके इसको यहाँ से हमने कम कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करके यहाँ से इसको हमने लेफ्ट एरो दबा के यहाँ से इसको कम कर दिया, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर आ गया। तो ये सारी चीज़ें वैसे वैसे ही रहेंगी। उसके बाद ऑनर्स अवार्ड्स इसके ऊपर हमें लिखना है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर जाके हमने ऑनर्स एंड अवार्ड्स वगैरह का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इसके नीचे रखना है। तो अल्टर के साथ हमने क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाया और इसके साथ नीचे ले लिया और यहाँ पे रख के इसको छोड़ दिया। ऑनर एंड अवार्ड्स इस पर आ गया। इसके बाद सर्टिफिकेशन इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ क्लिक करके अल्टर शिफ्ट के साथ सर्टिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन लेंगे यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं।
एंड देन फाइनली इंटरेस्ट को थोड़ा सा ऊपर करके स्लैट करके इसी के साथ यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं ताकि ये मूवमेंट इसकी सही रहे, और एजुकेशन वाले मामले को भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और इस तरह से ये हमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्किल्स ऑनर एंड अवार्ड्स लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्किल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, स्किल्स टाइप कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ऑनर एंड अवार्ड्स लिखना है। और यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफिकेशंस, तो यहाँ पे हमने सर्टिफिकेशंस वगैरह लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमने नेक्स्ट पर इंटरेस्ट लिख दिया, तो ये देखिए हमने ये सारी चीजें यहाँ पे इस पे कर ली, और ये इस तरह से इसका स्केलेटन बन गया। अब जब ये स्केलेटन बनी गया है तो हम नेक्स्ट पे इसके ऊपर हमें जो डेटा डालना है वो अंदर का डेटा 12 के फॉन्ट पर, जो उसका ऊपर वाला डेटा है वो 13 के फॉन्ट पे बोल्ड कर दिया जाएगा। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है टॉप सीवी यूनिवर्सिटी और 2014 और 17, ये एक आपको बनाना पड़ेगा, एक में बना के बताता हूँ ठीक है। तो उसके लिए आपको जो सिंबल्स रिक्वायर्ड है इसके अंदर, वो एक ट्राइंगल चाहिए जो पॉलीगॉन से लेके आप यहाँ क्लिक करेंगे, थ्री साइड का एक पॉलीगॉन बना लें, ये इस तरह से बन जाएगा ट्राइंगल, और यहाँ से आप क्लिक करके इसको छोटा कर लें और इसको यहाँ से ले जाके इसके ऊपर इस तरह से रख लें। अगर ये सिंबल यूज़ करते हैं तो ठीक है, अगर आप अपनी मर्जी का कोई सिंबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो तो आपको पता है सिंबल्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो यहाँ से क्लिक करके सिंबल्स में से जाके कोई अच्छा सा सिंबल ले लें। जैसे ये इसमें बना बनाया सिंबल हमें मिल रहा है, इस तरह का एरो का सिंबल मिल रहा है, आई थिंक हमें इसके साथ जाना चाहिए, तो हम इसको ये वाला लेते हैं सिंबल ठीक है। तो इस तरह बना बनाया सिंबल अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, तो हमें थोड़ा आइडिया करना होगा 100% पे कंट्रोल जीरो पे कि ये भाई कितना बड़ा नज़र आएगा, क्या इतना बड़ा नज़र आए, तो हमने कहा नहीं ये थोड़ा सा छोटा नज़र आए, ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा कम कर लिया। फिर आइडिया क्या, कंट्रोल जीरो के साथ क्या ये साइज सही है, अब मैंने कहा हाँ ये ठीक है क्योंकि ये इस पर सही नज़र आएगा यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर रख के हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर इसको ऊपर कर लिया, यहाँ पर हमें लिखना है टॉप यूनिवर्सिटी 2014 और 2018, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया हमने टॉप यूनिवर्सिटी, तो बोल्ड फॉन्ट को भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इसको लिखना ही है टॉप यूनिवर्सिटी, सेलेक्ट किया फॉन्ट को और फॉन्ट साइज को रिड्यूस करके हमने 13 पर सेट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। 13 पर जैसे ही सेट हुआ तो ये ऐसे नज़र आने लग गया। दोनों को सेलेक्ट किया, इसको बेस बनाया और इसको हमने यहाँ से टॉप बॉटम पर सेंटर कर दिया, और रिसाइजिंग के लिए थोड़ा सा इसको इसके साथ इस तरह से इंडेंट करके लिख दिया, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आने वाला है। उसके बाद आगे 2014 और जो 18 लिखा हुआ उससे कम फॉन्ट में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ वो भी बोल्ड के अंदर है, ये ड्यूरेशन है इसका, तो इसके साथ इसको क्लिक किया, ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबाया और इसके एंड पर यानी कि यहाँ पर ला के रखा। इस वक्त आपने अलाइनमेंट रख लिया राइट साइड पर, अलाइनमेंट राइट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो राइट साइड पर अलाइन रहेगा, यहाँ लिया है और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैंने डिलीट कर दिया, और यहाँ पे डबल क्लिक करके 2014 और 18 लिखना था, तो 2014 और 2018 आप नोट करेंगे कि बिल्कुल राइट अलाइन के साथ उस साइड पे लिखा जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ए करने के बाद इसको हम बोल्ड तो रखेंगे लेकिन फॉन्ट साइज 12 कर देंगे ताकि ये उससे भी थोड़ा सा छोटा नज़र आए, तो बिल्कुल अलाइन में इस तरह से नज़र आ रहा है। सेकेंड इसके अंदर आपने जो इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना है, पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह, तो पैराग्राफ के लिए आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, जो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ से लेके इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्रिएट करते हैं ये इस वाले मामले से, तो यहाँ से लेके हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट किया और इसके इससे थोड़ा पहले तक रखेंगे, और ये इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट कर दिया। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आप डायरेक्टली ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट नहीं कर रहे तो फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रखना है,
और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब उसके लिए फिर अलाइनमेंट को लेफ्ट करना है ताकि ये इस तरह से इसके नीचे आ जाए, और यहाँ पे फॉन्ट जो है आपने रेगुलर रखना है, और यहाँ रेगुलर फॉन्ट के साथ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर रखना है इटैलिक भी कर देना है फॉन्ट को, जैसे इटैलिक करके लिखा हुआ है इसके अंदर मेजर कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ इसको इटैलिक भी कर दिया। तो यहाँ पे हमने टाइप किया मेजर, और मेजर के बाद आगे लिखा हुआ इसने कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर, तो कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये देखिए बिल्कुल फॉन्ट भी जो है इसके साथ बिल्कुल वेरिएशन में है, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, और GPA 3.6 और A4 लिखा हुआ है। चाहे तो इंटर करके लिख दें, यहाँ पे लिख दें सर GPA 3.6 / A, A कैपिटल लिख दिया हमने इसके अंदर, और ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से आप शो कर सकते हैं, और अलाइनमेंट इस पर हमने लेफ्ट रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डाउन एरो दबाया हमने, यहाँ पे डाउन एरो पे इस तरह से हमें दिखा देना है, ये चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर काफ़ी गेप हमारा बच गया है, क्योंकि ये हमने फॉन्ट 12 का यूज़ किया है, और यहाँ पर जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, तो अगर स्पेस बच गया है तो आप उसको स्पेस को कंज्यूम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को करने के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसको इस तरीके से इस पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको ड्रैग करें, ताकि ये इस तरह से इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके नीचे जो सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और इसी तरह से आगे चलेगा, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है इसको, और ये वाला एरिया सारा सेलेक्ट करके इसका इस तरीके से ये चारों ऑप्शन को ले लेना है, ऑल्टर का बटन दबाना है, शिफ्ट को होल्ड करना है, तो एज इट इज़ इसको इसके नीचे इस तरह से उतार लेना है। बाकी तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर, और बाकी चीज़ों को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें दो पोर्शंस हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें नीचे और भी टाइप करना होगा, तो ऑल्टर के साथ एक और शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ से आप इजीली ले लेंगे। ये वाला फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं मिल सकेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतनी स्मूथली काम नहीं होगा, उसमें आपको काफ़ी आगे पीछे होना पड़ता है जब इस तरह का काम 2 columns 3 columns में कर रहे होते हैं। तो ये इसके लिए बड़ा परफेक्शन टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और 3rd, 4th, 10th में भी आप इस तरह से ही कर सकते हैं कि अब ये आपके पास जो है ये एक्टिविटीज़ इसके अंदर उतार ली जाएंगी। अगर थोड़ा गैप को यहाँ पे मेंटेन करके इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, तो ये इसके लिए काफ़ी स्पेस ऊपर के लिए बच जाएगा, और काफ़ी स्पेस हमारे पास नीचे के लिए भी बची जाएगा। और फिर थर्ड इसको ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन दबा के ये आप यहाँ पे इस तरह से उतार सकते हैं। तो देखिए ये वाला भी मामला यहाँ पे इजीली निमट जाएगा, और जो उसकी 3-4 lines है उसके गैप है आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ हम ट्रैक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। तो ये देखिए ये वाला साइड हमारा इजीली इसके साथ क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अब उस साइड पे भी जाना है, तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है, पहले एक साइड को क्रिएट करना है, फिर दूसरी साइड तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो साइट क्रिएट करने की ज़रूरत है वो ये कंप्यूटर वाली है, उसके नीचे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह ये टाइप करना है, और फिर लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ों को करना है। तो इसमें भी फॉन्ट साइज़ का जो हिसाब किताब रखा गया है वो इसी तरह से रखा गया है कि अगर हम यहाँ से इसके सामने ही इसके ले लें तो ज़्यादा आसान रहेगा, वैसे ज़रूरी नहीं है कि सामने भी आए। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और चूँकि ये वाला हिस्सा हमें रिक्वायर्ड है तो इन दोनों को ले लेते हैं, और इसके बाद इसके साथ नीचे वाला हिस्सा भी हम इसके साथ दे देते हैं, तो ये भी काम में आ जाएगा उसके साथ। और यहाँ पे रख के हम उसका थोड़ा जूम आउट करते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट को फिलहाल हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल्टर दबाते हैं, शिफ्ट को होल्ड करते हैं, और देखिए इस तरीके से हम इसको आगे ले आते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अब उसमें भी देखिए इसने क्या लिखा है, सपोज टू बी कंप्यूटर लिखा है, और नीचे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करके टाइप कर देते हैं कंप्यूटर, और नीचे के लिए हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है, तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस इंटरनेट कम्युनिकेशंस। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से टाइप कर सकते हैं, और ये इस तरह से यहाँ पे नजर आएंगे, ये देखिए इस तरह से इसने टाइप किया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे करके टाइप करना है, तो राइट बटन दबा के इसको थोड़ा सा आगे कर लें, ताकि ये इसके इंडेंट होके इस तरह से नजर आए, जबकि वहाँ पर जो इसने टाइप किया था यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई कि ये बिल्कुल टॉप के टी के नीचे आना चाहिए, तो ये इस तरह से नज़र आना चाहिए। अब इसको भी करने का हमारे पास एक तरीका है कि मैंने इसको मैनुअल किया, तो इसके अलावा मैनुअल के अलावा भी हम इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते थे, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर लें, इसको होल्ड कर सिलेक्ट करके बेस बनाएं, अलाइन में जाएं, और इसको अलाइन जो है हम इसके साथ लेफ्ट पे करें, तो ये देखिए ऑथो इसके साथ ऐसे एडजस्ट हो सकता है परफेक्टली।
तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही कर लेना, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, इस पे करना है और अलाइन करके उसको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे इस तरीके से, तो ये इसके साथ परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली यही प्रैक्टिस आपने इस पे करनी है, इस पे क्लिक करके इसको बेस बनाना है और बेस बना के इसको यहाँ पर अलाइन के ऑप्शन के साथ इसको लेफ्ट पे क्लिक करना है, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली कर ली और ये हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। इसके बाद लैंग्वेज वाला पोर्शन है और उसको भी इस तरह से हमने इजीली कर लेना है। तो सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, इसको ऑल्टर का बटन दबाया, साथ में शिफ्ट का बटन भी होल्ड किया और थोड़ा नीचे ला के हमने इसको इस तरह से छोड़ दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप कर दिया, बल्कि इसने लैंग्वेजेस की लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो अब ये जो जो जबान बोल रहा है वो हम लिख देते हैं, तो हमारे हिसाब से इंग्लिश भी बोल सकता होगा ये, इसके अलावा जैपनीज चाइनीज भी आती है इसको, तो जैपनीज भी आती है इसको और चाइनीज भी आती है, तो चाइनीज। ठीक है, तो ये इसने इस तरह से इसका जिक्र कर दिया और ये चीज इस तरह से इस पे सेट हो गई। अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम स्पेसिंग वगैरह को सेट करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके उसको थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं ताकि स्पेस उसके हिसाब से मेंटेन होता रहे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से काफी बेहतर इसका चल रहा है मामला। और यहाँ पर अच्छा, अभी किसी स्टेज पर भी आपको लग रहा है कि यार ये थोड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके एडिट करें इसको, ये रहा यहाँ पे, और इसको डबल क्लिक करके और इसको थोड़ा सा छोटा कर दें साइज में और यहाँ से इसको बैक कर लें। तो सिंबल में काम करने का ये एक एडवांटेज मिलेगा आपको कि जब बैक करेंगे तो वहाँ पर कंट्रोल जीरो करके देखेंगे तो ये सारे छोटे हो चुके होंगे। यहाँ से डबल क्लिक करके सिंबल से एडिट करेंगे तो वो सारे इस पे से यूज़ किए हुए तो वो सारे छोटे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ऑनर्स एंड रिवार्ड्स में 2013 में ये कुछ इसमें टाइप वगैरह करना है, तो इसको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर हमने लेना है ऑनर्स एंड रिवार्ड्स में किस तरह लिखा हुआ है इसने 2013 और कुछ इसके नीचे इसमें स्टोरीज लिखी हुई है। तो यहाँ से मैंने इसी को सेलेक्ट किया, ऑल्टर के साथ शिफ्ट का बटन होल्ड किया और इसके साथ इसको नीचे ले आया, यहाँ पर डबल करके मैंने 2013 को टाइप कर दिया और जो भी स्टोरी टाइप करनी है वो मैंने यहाँ पे लिख लेनी है। जैसे इसमें लिखा है टॉप सीवी स्कॉलरशिप इन सेकेंड सेमेस्टर, टॉप सीवी स्कॉलरशिप अच्छा, आपका जो रिजल्ट है वो यार जहन में रखें कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो अगर ये आगे जा रहा है तो यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर देना है ताकि वो इसके नीचे आ जाए। ठीक है, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट टाइप करना है, कोई भी जो भी टाइप करना चाह रहे हैं तो वो आप या तो एंटर करके और नीचे चले जाएं, जैसे इसने 2012 2001 सेमेस्टर, या इसको कंटिन्यू करना है तो यहीं पर ही कंटिन्यू कर लें एंड आगे क्या लिखा, सेमेस्टर 2012 और 13, 2012 एंड 13 और फिर एंड फर्स्ट सेमेस्टर 2013 एंड 14, 13 एंड फर्स्ट सेमेस्टर 11 13 14। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, कुछ एडिशंस भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना फिर करना ये पड़ेगा थोड़ा सा इसको और पीछे खिसकाना पड़ेगा तो ये हमारे पास आगे स्पेस आ जाएगा तो उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके साथ सर्टिफिकेशंस वाले मामले को भी देखना है तो हमने लिख तो लिया है, ये यही वाला उठा के हम इसका जो कंटेंट है यहीं से लेके इसको यहाँ पे दे देते हैं ऑल्टर के साथ। थोड़ा सा इंटरेस्ट वाले एरिया को नीचे कर लेते हैं ताकि स्पेस आ जाए और फिर जो भी यहाँ पर टाइप करना है वो यहाँ पर हम इजीली टाइप कर सकते हैं। और फाइनली इंटरेस्ट बेस में जो है आई लाइक सोसर म्यूजिक, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो है इंटरेस्ट बेस के ऊपर जो है लिखना है तो ठीक है, तो इस तरह लिखने के बाद आपका ये जो सीवी का जो मामला है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें इंटरेस्ट को ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपको थोड़ा ऊपर स्पेस मिल जाए, ताकि ये ज़रा कंडेंस ना लगे कि इनमें स्पेसेस जो हैं वो बहाल रहें कि हाँ थोड़ा डिस्टेंस के साथ लिखा गया है। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप इसको इजीली मेंटेन करेंगे, अब ये जो गाइड्स आ रही हैं इसके ऊपर इसको रिमूव करने के लिए व्यू में जाएंगे, यहाँ से गाइड्स पे क्लिक करेंगे, क्लियर गाइड्स करेंगे और कंट्रोल जीरो करके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि ये आपका पूरा का पूरा जो रिज्यूमे का है इसके ऊपर ये पूरा इस पर क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मुख्तलिफ रिज्यूमे इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आगे कलर का जो मामला है इसके साथ,
इसको थोड़ा सा नाम को हमने रेगुलर में रखा हुआ है तो इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के साथ इसमें से ये कलर लेके हम यहाँ पे क्लिक करके कलर को ले लेते हैं। तो अब ये देखिए इस कलर के साथ कुछ आपको इसी तरह से नज़र आ रहा है। ग्राफिक डिज़ाइनर को हमने इसको इस साइड पे लिखा हुआ है, इसको उठा के थोड़ा सा इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि इसके साथ नज़र आए और ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला मामला हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये पूरा सीवी का जो चैप्टर है वो इस तरह से क्रिएट हो सकता है और आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के मुख्तलिफ सीवी इसके ऊपर बना के, ठीक है।